बस एक रब को राजी कर लो तो देखना कैसे तुम्हारे खिलाफ लोगों की साजिशें नाकाम होती हैं। जिंदगी हमेशा एक नया मौका देती है। आसान लफ्जों में उसे आज कहते हैं। किसी मुश्किल में किसी बुजदिल से कोई मशवरा मत करना, क्योंकि वो तुम्हारी बची हुई हिम्मत को भी खत्म कर देगा। परेशानी में मजाक और खुशी में ताना मत दो, क्योंकि इससे रिश्तों में मौजूद मोहब्बत खत्म हो जाती है। हर शय के सवाब का अंदाजा है, लेकिन सब्र के सवाब का अंदाजा नहीं। जिस पर नसीहत असर न करे वो जान ले कि मेरा दिल ईमान से खाली है। माँ बाप के साथ तुम्हारा सलूक ऐसी कहानी है जो लिखते तुम हो, लेकिन तुम्हारी औलाद तुम्हें पढ़कर सुनाती है। बापरदा औरत गैरतमंद भाई, गैरतमंद बाप और गैरतमंद शौहर की निशानी है। जिंदगी को गनीमत जानो, ये अनकरीब तुमसे ले ली जाएगी। मुसलमान वो है जो अल्लाह को मानता है, मोमिन वो है जो अल्लाह की मानता है। सूरज कहलाने का शौक है तो रोशनी पैदा करो। जो गलती कर नहीं सकता वो फरिश्ता है, जो गलती करके डट जाए वो शैतान है, और जो गलती करके फौरन तौबा कर ले वो इंसान है। तुम किसी को चाहो और वो तुम्हें ठुकरा दे तो ये उसकी बदनसीबी है। इसके बाद तुम उसको जबरदस्ती अपनाना चाहो तो ये तुम्हारी नफस की जिल्लत है। अगर इस दुनिया में खुशी से जिंदगी गुजारना चाहते हो तो इस दुनिया में अपने रब की मर्जी की जिंदगी गुजारो। इल्मी दीन वो है जो दुनिया की तरफ से हटाए और दीन की तरफ लगाए। अच्छी आदत की मालिक नेक और पारसा औरत किसी फकीर के घर में भी हो तो उसे भी बादशाह बना देती है। मेरा नसीब मेरे रब ने लिखा है, यह गलत हो ही नहीं सकता। अपने हिस्से का काम किए बगैर दुआ पर भरोसा करना हमाकत है। अल्लाह से मदद मांगा करो, अल्लाह के खास लोगों में से बन जाओगे। दुनिया को जीतना चाहते हो तो आवाज में नरमी पैदा करो। गुनाहों की वजह से जिंदगी तंग हो जाती है। जो शख्स सजदों में रोता है उसे तकदीर पर रोना नहीं पड़ता। दिन में रिस्क तलाश करो और रात को उसकी तलाश करो जो रिस्क देता है। अपने अमाल को तोलते रहो इससे पहले कि तुम्हारे अमाल तोले जाएं।